सातवें श्लोक से पाठ करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः कौन है और का उच्चारण कर रहा है नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः ताम् निवृत्तिं च तद् विपरीतां यस्मात् अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च जनाः आसुराः न विदुः न जानन्ति न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ति एव न विदुः न शौचम् न अपि च आचारः न शौचं नापि चाचारः नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते अशौचाः
அநாச்சாராக மாயாவின அந்தத்வாதின ஹி அசுரா கிஞ்ச அசத்யம் யதா வயம் அந்தத்பிராயாக ததா இதம் ஜகத் சர்வம் அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் ச ந அஸ்ய தர்மாதர்மௌ பிரதிஷ்டா அத அப்ரதிஷ்டம் ச இதி. தே ஆசுராஹ ஜனாஹ ஜகத் ஆஹு அனீஸ்வரம் ந ச தர்மாதர்ம சத்யபேக்ஷக அஸ்ய சாஷிதா ஈஸ்வர வித்யதே இதி. அத அனீஸ்வரம் ஜகதாஹு கிஞ்ச அபரஸ்பரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் காம பிரயுக்தயோ ஸ்திரீ புருஷயோ அன்யோன்ய சம்யோகாத் ஜகத் சர்வம் சம்பூதம் கிம் அன்யத் காம ஹேதுகம் காம ஹேதுகம் ஏவ காம ஹேதுகம் ஏவ காம ஹேதுகம் கிம் அன்யத் ஜகத காரணம் ந கிஞ்சித் அத்ருஷ்டம் தர்மா தர்மாதி காரணாந்தரம் வித்யதே ஜகத காமேவ பிராணினாம் காரணம் இதி. லோகாயதிக திருஷ்டி இயம் ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய ஆஸ்ருத்ய நஷ்டாத்மான நஷ்டஸ்வபாவாஹ விப்ரஷ்ட பரலோக சாதனாஹ அல்பபுத்தய விஷய விஷயா அல்பா ஏவ புத்தி யேஷாம் தே அல்பபுத்தய பிரபவந்தி உத்பவந்தி. உக்ர கர்மாண க்ரூர கர்மாண ஹிம்சாத்மகாஹ க்ஷயாய ஜகத பிரபவந்தி இதி சம்பந்த. ஜகத அஹிதாஹ சத்ரவஹ இத்யர்த்த. சோ வோ கௌன் சி பாத்தே ஹே ஜோ ஜீவ் மே அசுர பாவ கோ சித்த கர்த்தி ஹே ஔர் விஷேஷ ரூப் சே கர்ம கா ஜோ அதிகாரி ஹே மனுஷ்ய உஸ் மனுஷ்ய மே அசுர பாவ கோ சித்த கர்னே வாலி அசுர பாவ கா ஆதான் கர்னே வாலி வோ க்யா பாத்தே ஹே. பகவான் நே ஆட் கிண்டி கினாயி ஹே, ஆட் சீஜே ஹே. பஹலா ஹே கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்ய கே விஷய மே அஜ்ஞான் ப்ரவிருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச ஜனாஹ ந விதுஹு. கே ஜனாஹ ந விதுஹு? ஆசுராஹ ஜனாஹ. ये आसुराह के साथ जना जाएगा. आसुराह जनाह असुर लोक. आसुराह जनाह न विदुहु. तो कल हम एक बार स्मरण कर लें, कल हम लोग बात कर रहे थे प्रवृत्ति कहाँ कितनी और कब तक. प्रवृत्ति का अभिप्राय है कर्म, प्रवर्तन, साधन में जहाँ पर व्यक्ति कर्म करता है, अपना समय देता है, अपनी ऊर्जा देता है, ये है प्रवृत्ति माने कर्म. तो वो कहाँ करना है, वो जगह ठीक होनी चाहिए. भाष्यकार लिखते हैं प्रवर्तनम यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति.
निवृत्ति क्या है? ठीक उसके विपरीत, तद विपरीताम। क्या विपरीत है उसमें? यस्मात् अनर्थ हेतो हो निवर्तितव्यम, माने जहां प्रवृत्ति करने से अर्थ की सिद्धि न हो करके विपरीत है अनर्थ का हेतु बनेगा। कौन बनेगा? मेरी प्रवृत्ति। तो फिर क्या आदेश बनेगा वहां पर? कि वहां से आप प्रवृत्ति बंद करो। तो इस बंद करने का नाम पड़ा निवृत्ति। प्रवृत्ति को विराम दे देना, इसका नाम है निवृत्ति। अब प्रवृत्ति को विराम कहाँ देना? जहां वो प्रवृत्ति ही अनर्थ का हेतु बन रही है, ऐसे अर्थ लें। जैसे मानो बोलने की प्रवृत्ति, तो जहां बोलना अनर्थ का हेतु बन जाए, अनर्थ माने जो हमारे लिए वांछित नहीं है उसका हेतु बन जाए, माने उपहास का हेतु बन जाए, या हमारा भविष्य कुछ बिगड़ जाए, वहाँ जो बड़े लोग हैं उनकी दृष्टि में मैं वाचाल सिद्ध हो जाऊँ, देखो बड़बड़ के बोलने वाला सिद्ध हो जाऊँ, तो बोलना एक प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, तो उसका निर्णय क्या है? अर्थ हेतु अथवा अनर्थ हेतु, बस इतना निर्णय एक बीच में रख लेना चाहिए। यहाँ पर जो मेरी प्रवृत्ति है वो मुझे वांछित फल दे रही है या देगी या नहीं देगी, बस। अच्छा, ऐसा समझने के लिए क्या आवश्यकता है? ऐसा समझने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि बुद्धि फल का स्पर्श करने में समर्थ हो, ठीक है ना? माने अगर वो इस बात की कल्पना नहीं कर पाती है कि इस प्रवृत्ति का फल क्या होगा, फल कहाँ है? भविष्य में है, अभी सामने आया नहीं है, तो वह जो फल दर्शन है वो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होने वाला है। ये देखो, तो प्रवृत्ति निवृत्ति के ज्ञान में ये बात सामने आई कि प्रवृत्ति निवृत्ति के ज्ञान में यह ज्ञान होना परम आवश्यक है कि हमारी बुद्धि फल तक पहुंचे, फल दर्शन करने में समर्थ हो। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर वो सात्विक बुद्धि नहीं मानी जाएगी। 18वें अध्याय में भगवान ने सात्विक बुद्धि का लक्षण में पहला ज्ञान यही माना है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो इसमें सबसे पहला जो ज्ञान बुद्धि के सामने चैलेंज के रूप में रखा है वो है कि आपको प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। वो कैसे होगा? फलस्पर्शी बुद्धि हो, फल दर्शन करने में समर्थ बुद्धि हो, पहली आवश्यकता तो यही है। दूसरी आवश्यकता क्या है? कि जब यह बुद्धि बतावे कि यहाँ बोलना ठीक नहीं है, तो आप में इतना संयम होना चाहिए कि आप वाणी को विराम दे सकें। देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि घंटी बजा रही है, बता रही है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन मैं इतना असमर्थ हूँ, मैं इतना असंयमी हूं कि बोले चला जा रहा हूं, वहां बहस कर रहा हूं जहां मुझे चुप रहना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए।
अब मुझे आत्म विभ्रम हो गया है कि मैं हर जगह बहस कर सकता हूँ। वो हर जगह जब बहस करोगे तो उसका परिणाम जो होना है वो तो होगा ही। तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसने क्या क्या किया है जिसकी वजह से, या क्या क्या करने से क्या हो गया। काहु न कहु सुख दुख कर दाता, ये अर्थ हेतु भी प्रवृत्ति ही है और अनर्थ हेतु भी प्रवृत्ति ही है। यह आया ना अर्थ, तो अभिप्राय यह हुआ कि जहां तक वो अर्थ हेतु है वहां तक प्रवृत्ति कर्तव्य है, लेकिन जैसे ही वो अनर्थ हेतु बनने लगी, कौन, वही प्रवृत्ति, तो वहां उसी प्रवृत्ति को विराम देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। माने कोई कोई तो ऐसा है कि उस प्रवृत्ति को तत्क्षण विराम देना। हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता थे अठावले जी, बड़ी सेवा की उन्होंने, तो हमारे साथ टहल रहे थे एक बार, तो रोटरी के गवर्नर रह चुके थे पूना में, तो बोले कि एक हार्ट का स्पेशलिस्ट आए थे, उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि 60-65 में यू एज्यूम दैट एवरीबडी इज ए हार्ट पेशेंट। लेक्चर में क्या कहा उन्होंने कि आफ्टर 65-60 आप मान लो कि सभी लोग हृदय के रोगी हैं, क्योंकि थोड़ा कम ब्लॉकेज तो हो ही जाता है। बोले तो इसलिए आप घबराओ मत, ये तो एक वार्धक्य का एक परिणाम है। तो उसमें सावधानियां क्या है, तो एक सावधानी मुझे याद रही जो उन्होंने कहा, तो बोले कि स्वामी जी उन्होंने ये कहा कि जब आपको थकान हो जाए चलते चलते, तो आप ये मत कहना कि अच्छा वहां जाके रुकूंगा। बुद्धि को प्रायः ये आदत होती है कहने की अच्छा उस पेड़ के पास जाके बैठ जाऊंगा, या ये ऊंचाई आ गई है अब को इसको चढ़ लेते हैं तो फिर विश्राम कर। तो बोले बस ओनली दैट विल बिकम द डेंजरस फॉर यू। आपको जिस क्षण थकान लगने लग जाए उस एज के बाद, तो आप वहीं 5 मिनट रुको, पेड़ मत खोजो। अब हमारे डॉक्टर अम्मा लोग, आई थिंक यू एग्री विद हिम, हार्ट स्पेशलिस्ट ने ये कहा। अब देखो मैं दृष्टांत तो यहां के लिए दे रहा हूं कि एक तरफ तो कहा जाता है टहलना अर्थ हेतु, ठीक, और फिर उसी समय यह भी कहा जाता है कि जैसे ही वो अनर्थ हेतु बनने लगे, इस दृष्टांत को याद रखना, तो उसी समय उस प्रवृत्ति को विराम देने की जरूरत है, नहीं तो वही प्रवृत्ति नारायण बड़े अनर्थ का हेतु बन जाएगी। अब इसको आप विस्तार कर लो, इस लक्षण को हर जगह लगा लो, तो या प्रवृत्ति ही अर्थ हेतु सा कर्तव्या नियम बन गया, या प्रवृत्ति रेव, निवृत्ति कोई चीज नहीं होती, आप समझ रहे हो ना, निवृत्ति तो उपरांता का नाम है, वो तो स्वाभाविक है। भाष्यकार ने, आपको स्मरण हो तो कहीं भाष्य में लिखा गीता में ही कि निवृत्ति स्वाभाविक है, नैमित्तिक नहीं होती, इसलिए निवृत्ति का कोई फल उत्पन्न होवे यह बात बनती नहीं। यह देखो, जैसे स्वरूपावस्थान
अब ये निवृत्ति है, तो अब इसका कोई फल खोजो तो अदृष्ट की उत्पत्ति हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है। द्रव्यस्य स्वरूपम नहीं, द्रव्यस्य स्वरूपम अविक्रिया, आया स्मरण आया? खोजो उपनिषद भाष्य में है, खोज के बताना। द्रव्य का स्वरूप होता है क्रिया रहित होना, विक्रिया। जो क्रिया है द्रव्य में वो नैमित्तिक होती है, जो अविक्रिया है वो उसका स्वभाव होता है। एनीवे तो ये श्लोक, जरा जो भी श्लोक हैं आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए, सुनते समय आपको जरूर कहीं कहीं थोड़ा मैसेज मिलता होगा। चिंतन करोगे तो मक्खन निकलेगा, नहीं तो भी कुछ न कुछ मिलेगा। आफ्टर ऑल भगवत वाणी है तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन फिर वो वेदार्थ सार संग्रह जो शब्द है ना, फिर वो नहीं मिलता ना। अब देखो ये व्याप्ति बनेगी। अब प्रवृत्ति निवृत्ति के ज्ञान में दो आवश्यकताएं हमारे सामने आ गईं। बुद्धि में ये सामर्थ्य है, होनी चाहिए कि वो फल तक दर्शन करने में समर्थ हो, कि मैं अभी ये बोल रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा, अभी मैं ये कर रहा हूं आज के दिन 6 साल बाद इसका देखा परिणाम क्या होगा। तो बुद्धि 6 साल आगे तक जाने में समर्थ होनी चाहिए, और जो विजनरी है वो जिसको आप बोलते हो विजनरी, वो कौन है? बोले वो 100 साल आगे जाता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे ये हमने बीजाधान कर दिया है, इसका परिणाम 50 वर्ष बाद सामने दिखना शुरू होगा, बोलते थे कभी कभी। जो पुराने लोग ने कभी सुना हो तो सुना हो। तो कितना आगे की बात हुई, 50 साल पहले। ये देखो हमने कहना ये है कि कितनी दूर तक बुद्धि जाती है आपकी, उतना ही आपका प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान सही होगा। अच्छा, दूर जाने का आधार क्या है, ये भी तो खोजना पड़ेगा। दूर जाने का आधार है अन्वय व्यतिरेक, ज्यादा नहीं। आपके जीवन में जो घट चुके अनुभव हैं, उन अनुभवों की व्याप्ति बना लो कि इस प्रवृत्ति से मुझे ये लाभ हुआ था और इस प्रवृत्ति से मुझे हानि हुई थी। तो यदा यदा इयम प्रवृत्ति ही तदा तदा अर्थ प्राप्ति, यदा यदा बना लो, और यदा यदा यम प्रवृत्ति ही तदा तदा अनर्थ प्राप्ति, ये भी व्याप्ति बना लो। यदा यम प्रवृत्ति नास्ति तदा अर्थमपि नास्ति, व्यतिरेक हो गया। इस तरह से अन्वय व्यतिरेक की व्याप्ति बनाओ। अने ये तो हम कहने के लिए ये शब्द बड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जनता भी थोड़ा या ज्यादा इसी शैली का उपयोग करती है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग प्रमाण कुशल हैं वो इस शैली का बड़ी दक्षता से प्रयोग करते हैं, बड़ी कुशलता से प्रयोग करते हैं, और इसीलिए फिर वो आम नहीं रह जाते, वो खास हो जाते हैं। साधारण को असाधारण कोई भगवान थोड़ो, भगवान को क्या करना है, वो तो आशीर्वाद देना है उनको कि हाँ बेटा यू डिजर्व, मैं तेरी मजदूरी अपने पास नहीं रखूंगा, लो तुम खास बन जाओ। अच्छा,
अब इसमें दक्षता वाला एरिया बढ़ेगा कब, जब केवल अपना नहीं दूसरों के अनुभव का आधार लेकर के भी व्याप्ति बनाया जाए। ठीक है, महाजनों ये न गतः स पंथा, ध्यान रखना परानुभव भी बड़े काम की चीज है, सावधानी से अगर उसको सही सही जाना जाए तो। भगवान क्या दृष्टांत देते हैं कि इसी तरह से जनक आदि मुक्त हो गए तो किसका अनुभव था, अर्जुन का तो नहीं था ना, तो वो कहते हैं तुम जनक के अनुभव से तुम सीखो। कर्मणि वही संसिद्धः आस्थितः जनकादः संसिद्धौ, कर्मणि वही संसिद्धौ आस्थितः जनकादयः, संसिद्धौ है ना, हाँ संसिद्धिम, हाँ नहीं नहीं संसिद्ध तो शायद नहीं होगा, देखो तीसरा अध्याय होगा, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ थैंक यू, क्योंकि वो मुझे व्याकरण परेशान कर रहा था कि संसिद्ध तो नहीं बनेगा। आपको समझ में आता है, आपको व्याकरण हो तो आप किताब ठीक कर सकते हो, मिसप्रिंट वहां भी होता है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही होने लग गया है, तबीयत खराब हो जाती है देख के। तो अब मैं, मेरा कहना था कि परानुभव से भगवान कहते हैं तुम सीखो, तो समझदार वो है कि वो जब किसी को बिच्छू ने मारा हो, ठीक है, तो उसी से सीख ले, खुद बिच्छू न मरवाए। हाँ मैंने उसको ये व्याप्ति समझ में आ जानी चाहिए कि ये कीड़ा जब जब मारता है अब तब बहुत दर्द होता है, कैसे जाना तुमने, अरे बोले अमुक को मारा था, मैंने देखा उसको तड़पते हुए, बस ये हो गया। तो इस तरह से व्याप्ति बना करके बुद्धि में अनुमान की सामर्थ्य जब बढ़ती है और कॉन्शियसली आदमी अनुमान करता है, दूर तक देखने का प्रयास करता है कॉन्शियसली माने जानबूझ करके, तब उसको हम धीरे धीरे समझदार बोलना शुरू करते हैं, तब उसको हम धीरे धीरे विजनरी बोलते हैं। आज हमारे पास कुछ लोग बैठे थे दोपहर, पता नहीं कैसे बात चल गई राजनीति इत्यादि की, तो चूंकि कनाडा से आए तो लोग, तो मैंने कहा वे देखिए हमारे जो लीडरशिप रही है वो विश्व के बराबर की थी, ज्यादा भी थी, इसको जल्दीबाजी में कोई टिप्पणी मत करो। जब हमारे पास भोजन नहीं था उस समय भाभा को फ्री हैंड दिया हमारी लीडरशिप ने कि आप एटमिक प्लांट लगाओ, जैसे जितना खर्च कराओ करो। उस समय इसरो को फ्री हैंड दिया, स्पेस रिसर्च सेंटर बताओ, खाने को भोजन नहीं, इसरो को फ्री हैंड, भाभा को फ्री हैंड, सारे बांधों का उसी समय रूपरेखा बन गई, आईआईटी बन गई, और कंपनी फैक्ट्रीज की जो माँ होती है ना लोहा, उस लोहे की फैक्ट्री को लाया गया रूस से, मांग मांग के लाया गया, बट सारे एस्टेब्लिशमेंट उस समय हो गए। और लोग कहते हैं लाइसेंस कोटा, ये तो सब मिसलीड करने वाली बात है, पार्टी बंदी की बात है। मैं आज उनको कह रहा था, मैंने कहा आप इंफॉर्मेशन ले लो, सोचना फिर भारत के विषय में कायदे से। सीमेंट में गवर्नमेंट नहीं गई, टेक्सटाइल में नहीं गई, ऑटोमोबाइल में नहीं गई, जहां हमारा व्यापारी काम कर सकता था वहां सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया,
ये कोई छोटी बात है, ये बड़ी समझदारी की बात है। तो जो उस समय 60 साल पहले किया गया उसकी वजह से आप एटमिक पावर हो आज। ये नहीं कि वाजपेयी जी आए और उसी दिन एटम बम बन गया, ठीक है ना। आज आप उपग्रह की दुनिया में कॉम्पिटिटर हो। तो वो 50 साल पहले किसी ने देखा था, ठीक है ना। उसका आज ये परिणाम। तो शुरू में उसको समझदार कहते हैं, और जब वो बड़ा आदमी होता है ना, दूर दूर तक देखता है और पूरे देश के लिए देखता है, नारायण, तब उसको हम लोग दूरदर्शी, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र बोलते हैं, विजनरी बोलते हैं। और जो केवल पशु की तरह देखता है, केवल नाक के आगे, पश्यति इति पशु अनुभव व्यतिरेक का कोई बहुत ज्यादा थोड़ा करते हैं पशु भी, ध्यान रखना, दंडपाणिम दृष्ट्वा पूर्वानुभूतम स्मरति, पहले का अनुभव स्मरण आ जाता है उसको, फिर वो अन्वय व्यतिरेक करता है बुद्धि में कि ये पहले दंडा वाला था तो उसने मारा था, तो पलायति, तो हरित तृण पाणिम दृष्ट्वा आगच्छति। अनुभव व्यतिरेक से ही हुआ, लेकिन अगर आदमी तो धोखेबाज भी है, अगर महाराज वो हरी घास दिखा के बांध ले तो वहां पशु फंस गया। आदमी को थोड़ा तो समझदार होना चाहिए कि फंसे नहीं। यत तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, ऐसा भी तो होता है ना, उसमें पशु फंस जाएगा, आदमी को फंसना नहीं चाहिए। सो दो बात निगमन के रूप में ध्यान रखना चाहिए, बुद्धि अनुमान कुशल हो, व्याप्ति बनाने में और उस व्याप्ति का दक्षता से प्रयोग करने में समर्थ हो। अब कल तो हमने श्लोक बोल दिया था, लेकिन अब मन हो जाता है कभी कि चलो आपको दूसरा दर्शन भी कराया जाए, ठीक है। यज्ञ में उतना ही बोल दें तो किसी को यह लगेगा नहीं कि कुछ छूट गया है, ठीक है ना। लेकिन बहुत छूट जाता है, आपको मैं कई बार बोल चुका, जितना यहां बोला जाता है उसमें भी बहुत कुछ छूट जाता है। फिर यह होता है कि अच्छा आगे चलो। सुबुद्धि अनुमान कुशल हो, दूसरा संयमी हो, क्योंकि जानने के बाद भी प्रवृत्ति को विराम देना कई बार लोग कर नहीं पाते, और वो प्रवृत्ति करते हैं वासना के वशीभूत होकर, हैं मोह के वशीभूत होकर के, आदत के वशीभूत होकर के, और फिर पिटाई होती है। तो अनर्थ हेतु प्रवृत्ति भी आदमी करता है, माने विवेक में मालूम पड़ने के बावजूद। अर्जुन ने यही कहा ना, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष। अरे ये अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा मुझे मालूम है बट नच में निवृत्ति। देखो तो ज्ञान है, संयम नहीं है। बस आसुर भाव से बचने के लिए फिर दो जरूरतें सामने आ गईं, ठीक, ज्ञान होना, अनुमान कुशल बुद्धि होना। देखो ज्ञान होना कहना भी फ्लैट है, उसको भी समझना चाहिए। अनुमान कुशल बुद्धि होना चाहिए, आदमी बैलेंस
छोड़ देता है अगर अनुमान कुशल न हो तो, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, ज्यादा करने लग जाता है। या कम करने लग जाता है, जितना करना चाहिए उससे कम करने लग आसुर भाव को पैदा करने वाली चीज ये है, दो, अनुमान में अकुशल, संयम में कमी। तो आसुर भाव से बचने के भी दो ही हेतु, अनुमान कुशल बुद्धि और संयम सिद्ध हो। न जना आसुरा जनाहा न विदुहु। अच्छा, एक तो ये है, सबसे मूल में भगवान ने यही रखा और मैं समझता हूं कि उन्होंने नब्ज पकड़ लिए बिल्कुल। अरे जिसको यही नहीं मालूम कि मेरी प्रवृत्ति से अनर्थ होने वाला है, बताइए तो अब उसको दुनिया में कौन बचाएगा। माने उसको तो परमात्मा भी दुखी हो सकते हैं, उसको देख के दया आ सकती है, लेकिन अब क्या करें उसको। सो दूसरा, न शौचम, सुचिता नहीं अंतर बाह्य की, ना भी चाचार। धर्म निर्दिष्ट जीवन में आचार नहीं, आचार प्रथमो धर्म। हमारे नीतिकारों ने कहा धर्म का पहला लक्षण, पहला लिंग है आचारवान होना। वो क्या आचारवान होना, उनका स्नान, ये नहीं कि कोई बड़ा आचार, जो दैनिक चर्या है, स्नान, संध्या, शिखा बंधन, जनेऊ, माने जो उनका निर्देश है, पूजा, किंचित पाठ। आपके घर कोई आवे, कोई साधु आवे, तो आपको क्या चीज प्रभावित करती है? ये आचार जब देखते हैं ना, तभी तो लगता है कि नियम वाला ब्रह्मचारी है, अपना नियम पालन करता है, देखो आचारवान है, ये बोलते हैं। और ये निश्चित जानो कि आचारवान होने के लिए आदमी को अपनी रुचियों को तिलांजलि देनी पड़ती है, संयमी होना पड़ता है, तपस्वी होना पड़ता है। बिना तपोवृत्ति के आचार संभलता नहीं। तो न शौचम ना पिचा आचार, आचार का उपपादक संपादक है शौच। पढ़ा ना रामानुजाचार्य जी का वो टीका, कृत्य योग्यता, पढ़ा था ना, कर्म करने की योग्यता ही शौच है। तो शौचम पहले रखा भगवान ने, फिर लिखा आचार, न शौचम ना पिचाचार, और फिर लिखते हैं न सत्यम तेषु विद्यते। जीवन में उनके, माने उनका चित्त इतना असमर्थ है कि सत्य को धारण ही नहीं कर पाता, माने एक क्षण के लिए संभाल नहीं पाता। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में 20 केजी वजन दे दो तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा, वो वजन गिर जाएगा। वैसे सत्य भी जब चित्त को सौंपा जाता है तो ये बिल्कुल जो असमर्थ असंयमी चित्त है वो उस सत्य को एकाध घंटे छोड़ो, उसको जैसे बच्चा पकड़ नहीं पाता है ना, वैसे ये पकड़ भी नहीं पाते, तुरंत ही छोड़ देता है, समटाइम विदाउट प्रेशर। अंडर प्रेशर तो चलो, समटाइम विदाउट एनी प्रेशर, भाष्यकार ने इसको बोला माया विना अंधत्ववादिना। न सत्यम तेषु विद्यते का अर्थ क्या किया, अंधत्ववादिना कुटिल। ध्यान रखना इसी स्कूल श्लोक पर अगला श्लोक आधारित,
चूंकि इनका जीवन ऐसा है तो अपनी ही उपमा से फिर दुनिया को देखते हैं। यथा वयम अन्नता, देखो अगर ये पहला श्लोक छोड़ दोगे तो अगला नहीं बनेगा। पहला श्लोक है कि न सत्यम तेषु विद्यते, तो फिर आदमी हमेशा अपने को उपमा बना के जगत को समझता है। तो भाष्यकार ने क्या लिखा, यथा वयम अन्नत प्रायः, ये जैसे हम सत्य को संभाल नहीं पाते, झूठ से हमारा काम चलता है, वैसे ही सारी दुनिया झूठ ही बोलती है। असत्यम जगत, अच्छा जगत की कोई प्रतिष्ठा है कर्म सिद्धांत, बोले नहीं। अब प्रतिष्ठम ते आसुराहा, ते शब्द का अर्थ क्या होगा, आसुरा, ते आसुराहा आहुहु, ये क्रिया है, छोटा वाक्य है, मूल वाक्य है ते आसुराहा आहुहु, किम आहुहु, जगद आहुहु, जगत के बारे में ये लोग ऐसा कहते हैं। बहुवचन क्या कहते हैं कि जगत असत्यम, जगत नपुंसकलिंग होता है, ध्यान रखो, जगत असत्यम, जगत अप्रतिष्ठम, जगत अनीश्वरम, दिस इज देयर कंसेप्शन। भगवान का प्रवचन बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, तृप्तिकारी होता है। ते आहु जगत असत्यम, जगत अप्रतिष्ठम, जगत अनीश्वरम, ऐसा ये लोग बोलने वाले हैं। ये इनका विज्ञानमय कोश है, बीमार विज्ञानमय कोश। बोले फिर जगत का प्रतिष्ठा भी नहीं, कारण भी नहीं, तो कैसे जगत चल रहा, कुछ तो बताओ आखिर दुनिया के बारे में तुम्हारी क्या व्याख्या है। भाष्य की एकदम निचली पंक्ति देखो, जगतः काम एव प्राणी नाम कारणम इति। जगतः कारणम किम, बोले प्राणी नाम काम एव, इसका भी अन्वय करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाष्यकार भी तो कविता में ही लिखते हैं। गद्य बनाना पड़ता है आपके लिए। क्या बोल रहे हैं, जगतः कारणम किम, इनसे पूछा गया तो बोले प्राणी नाम काम एव, बस प्राणियों में जो काम नाम की एक चीज रहती है बस यही जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते को एक तरफ करो। कामेव कारणम, बोले तो उससे कैसे होता है जगत, तो बोले काम प्रयुक्त स्त्री पुरुष नजदीक आते हैं, नहीं तो आवे भी नहीं। ये काम हेतुकम अपरस्पर संभूतम, नारायण हेतु ही न हो तो वो भी न होगा, इसलिए स्त्री पुरुष जगत का कारण नहीं है। निगमन वाक्य देखो, क्या कहा उन्होंने, स्त्री पुरुष जगत का कारण नहीं है, काम एव, स्त्री पुरुष को भी निकट लाने वाला ये एक वृत्ति है, बस समझो यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, काम एव। मूर्खाधिराज, ये तो हैं आसुर लोग, बोले एक मसाले से ही दुनिया चल जाती है, पशु पक्षी वनस्पति नारायण सबका बस यही है, किम अन्यत, प्रत्यक्षवादी है ना ये, और तो कोई प्रमाण मानते नहीं, ये ना समझना अनुमान नहीं मानते, अनुमान मानते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि अनुमान कोई प्रमाण थोड़ो है, ये तो अनुमान है,
मान थोड़ो है ये, मान माने प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष का पिछलग्गू है, इसलिए स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। ये चार्वाक लोग इतने बुद्धू नहीं है, ये ना समझना। प्रत्यक्ष का अनुवर्ती होने के कारण, प्रत्यक्षाश्रित होने के कारण, प्रत्यक्ष फलक होने के कारण अनुमान का प्रत्यक्ष में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए। जब वो कहते हैं मैं एक प्रमाण को मानता हूं, तो ये ना समझना कि बाकी प्रमाण उनको पता ही नहीं है। ऐसा बुद्धू न समझना लोगों को। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाकी सारे प्रमाण, अर्थापत्ति, उपमान आदि सब के सब प्रत्यक्ष आश्रित हैं, प्रत्यक्ष फलक हैं, प्रत्यक्ष के अनुवर्ती हैं। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज प्रत्यक्ष है उसके लिए और क्या प्रमाण चाहिए। आप क्या समझते हो, ये वेदांती लोग बोलेंगे? ये न भूलना कि ऐसा वाक्य वेदांती लोग नहीं बोलेंगे। बोले प्रत्यक्ष तो पृथ्वी है, चपटी स्थिर, फिर प्रत्यक्ष प्रमा के विरुद्ध प्रमा क्यों रखते हो? जब तुम ये कह रहे हो कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो तुम्हारी असली प्रमा है कि पृथ्वी गोल है और चल रही है, तो ये तो प्रत्यक्ष जन्य प्रमा के विरुद्ध हो गई। तो कौन प्रबल है, अनुमान की प्रत्यक्ष? पिछलग्गू बोलता है, ये काटना भी जरूरी है ना, नहीं तो पता चला कि आज यही प्रतिपादन हो गया। माने अब तो आपको इतना प्राउड हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात कह रहा हूं, हमारे स्वामी जी, स्वामी शंकरानंद जी मंदना के स्वामी जी, तो प्रयागराज में हमने उनको प्रार्थना की कि नौ दर्शनों पर एक एक दो दो टॉक ब्रह्मचारी लोगों को दे दिया जाए। पहला बैच हमारा था वो प्रयागराज में, संदीपनी प्रयाग था उस समय। तो कृपा करके वो पधारे, तो उन्होंने पहला चार्वाक दर्शन पे बोला। तो शहर के लोगों ने कहा कि हम भी आ सकते हैं। हमने कहा जरूर आ सकते हैं, आओ आप लोग। तो जो लोग इंटरेस्टेड थे आए। तो हमारे एक बड़े मिशन के, नाम नहीं लूंगा, तो बोले क्या बढ़िया दर्शन प्रतिपादित किया है स्वामी जी ने। बाहर निकलने के बाद चार्वाक बोले ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये होता है वेदांत। ने कहा ये वेदांत उनको लगा सबसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल। हाँ, लोन लो सिस्टम डेवलप करो समाज में, लोन लो और 25-26 साल की एज में ही गाड़ी में बैठो। ये क्या है कि बुढ़ापे में जब ड्राइव नहीं कर सकते तब गाड़ी खरीदी। उन्होंने स्वामी ने उस दिन प्रणम कृत्वा का ये अभिप्राय थोड़ा विस्तार किया था। वो महाराज खुश बोले देखिए आज जो सोच रहा है हमारा ऋषि पहले वो सोचता था। हमने कहा अरे मूर्ख मैंने कहा लुक एट दिस। तो उसी दिन जो है महाराज काट देना चाहिए फिर, जब कभी ऐसी बात हो गए तो खंडन हो जाए। नारायण नारायण। तो अपरस्पर संभूतम कि मन्य काम है तुकम, ये महाराज लोग चार कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, असत्यम, अप्रतिष्ठम, अनीश्वरम, एक तो ये, और चौथी है काम हेतुकम जगत। जगतः कारणम किम, बोले काम एव। बस दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ असुर। भाष्यकार कहते हैं
एताम दृष्टिम भगवान को देखो। दृष्टि माने ज्ञानम, दृष्टि माने मान्यता, दृष्टि माने प्रमा, दृष्टि माने अवधारणा, दृष्टि माने कॉन्सेप्ट। तो बोले बस इसी दर्शन का आधार लेके ये जीवन बनाते हैं, जीवन का जो ताना बाना बुनते हैं वो इस दृष्टि के आधार पर बुनते हैं। जीवन की जो बुनावट है वो इस दृष्टि पर आधारित है। भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, सावधान विद्यार्थी को ले लेना चाहिए। अच्छा फील्डर कौन है? जो कैच नहीं है उसको कैच बना ले, ठीक है ना? बाउंड्री से बाहर जाती हुई गेंद को कैच में बदल दे, असली खिलाड़ी फील्डर तो वही है। देखो तो यहाँ क्या बोलते हैं भगवान, एताम दृष्टिम अवस्टव्य। उपलक्षण करो, सभी लोग जाने अनजाने में जैसा भी अपना जीवन बुनते हैं वो कोई न कोई दृष्टि पर अवलंबित होता है। ये मत समझना कि कोई दृष्टिहीन है। अरे जब असुर के पास एक दृष्टि है ना, तो अब इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना आप। सो दृष्टि जरूर होती है, हमारे आप में सब में है, हमने केवल जांचा नहीं है कि वो दृष्टि हमारी वाली दृष्टि क्या है, हम कौन सी दृष्टि का आलंबन लेके जीवन की बुनावट करते हैं। हमने जो अभी तक जीवन बुना चुना निर्माण किया वो किस दृष्टि पर बेस्ड थी, किस दृष्टि पर आधारित थी, वो जांचनी चाहिए। आपको मालूम है ज्यादातर मिश्रित दृष्टि होती है, ज्यादातर। मैंने ये कहना काफी कठिन हो जाता है किसी के लिए भी कि मेरी दृष्टि हमेशा देव दृष्टि थी, होता रहता मिस्र होता रहता। उसी में सज्जनता की ओर बढ़ने का कारण होता है देव दृष्टि की प्रधानता। लेकिन ये नहीं कि असुर दृष्टि नहीं होती। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, ये मिस्र होता है बस, समझो आप। उसमें प्रधानता जो है वो गोस्वामी जी लिखा है, सबके लखी बिरले पाई। बड़े बिरले लोग लखते हैं, जांचते हैं कि मेरी ये दृष्टि है। यहां पर मैं विचार सांकर्य कर रहा हूं, यहां जो मेरी आस्था है वही कंट्राडिक्टरी है। माने मैं ईश्वरवादी भी हूं, ईश्वरवादी भी हूं। लो किसी परिस्थिति विशेष में अनिश्वरवादी सा हो जाता हूं। हमारे गुरुदेव को जत्तपुंज जी महाराज ने कहा कि आप केरल जाओ पैदल उत्तर काशी से, और हो सके तो भिक्षा मत मांगना। इफ गॉड फील्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू द वर्ल्ड यू शुड लिव ही विल गिव। अब राम राम राम। तो अब वो जब चले तो यही इसी मंच से बोला था, तो बोले दो दिन तो भोजन नहीं मिला, एक बार ऐसा हुआ तड़प रही हैं आते जो हैं वो कुल बुला रही हैं। नहाया नहीं क्योंकि हर जगह बाथरूम थोड़ो मिलता है और हर जगह नदी नहीं बहती है। जब आप ब्रह्म विचरण करते हो पैदल तो वो ये नहीं है कि हर जगह आपको
नारायण नहीं, तो बोले आई वॉज ऑलमोस्ट नास्तिक कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ईश्वर और दिस और दैट तो हमें लगने लगा कि यार ये सब पढ़ने लिखने की बातें हैं। आई थिंक देर इज नो गॉड, आई वॉज मिसलेड बाई दीज साधुस। अरे राम राम। फिर शाम को या 2 बजे के लगभग किसी माता ने पीछे से आवाज दी, उसका व्रत था कि आज के दिन किसी संत को खिला के फिर मैं खाना खाऊंगी। तो आफ्टर 2 डेज माने 3rd डे बोले आई हैड द फीस्ट, क्योंकि कोई त्योहार या कोई व्रत में उसने ऐसा सोचा होगा, तो काफी कुछ बना था। तो महाराज मेरा प्रतिपादन ये है कि परिस्थिति जब बदलती है तो हमारी जो दृष्टि है हरिओम तत्सत वो एक ही नहीं रह पाती, उसमें मिश्रित होती रहती है बस, और इसलिए मिश्रित जीवन है, क्योंकि दृष्टि में ही मिश्रण हो गया। हाँ, तो भावना में भी मिश्रण है, आचरण में भी मिश्रण है, तो आपको हेतु फल दिखाई दे रहा है, मूल किधर है? दृष्टि। मूल में वहां है, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। भगवान से किसी ने कहा कि अगर इस दृष्टि का आश्रय लिया जाए तो क्या बुराई है? बोले बुराई ही बुराई है। अगर इस दृष्टि का आश्रय लिया तो मैं ये कहूंगा कि वो नष्ट हो गया, ही इज गॉन ओनली बिकॉज ऑफ दिस विजन, नोबडी हैज किल्ड हिम, नोबडी हैज हार्म्ड हिम, काल प्रकृति कोई नुकसान नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? दृष्टिम, एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नाम कर रख्या भगवान ने, नष्टात्माना, इज किलिंग हिमसेल्फ, क्या नाम रख रहे हैं? नष्टात्माना। आप समझते हो जगत में झूठ का ही बोलबाला है, अगर हमारी सच्ची में ये दृष्टि हो तो मैं निश्चित रूप से PhD करूंगा झूठ बोलने में, क्योंकि मैंने अर्थ का हेतु क्या माना? झूठ। तो नेचरली मैं आई विल ट्राई टू बिकम बेटर मैनिपुलेटर देन द अदर पीपल, सो ही विल लीड टू बिकम मैनिपुलेटर। ये देखो, दिस विजन इज लीडिंग हिम टू बिकम मैनिपुलेटर। इतनी अंग्रेजी तो समझ आती, यह दृष्टि उसको मायावी बनाने का हेतु बनेगी, और वो 5-10 साल में यू विल फाइंड हिम नंबर 1 मैनिपुलेटर, कुटिलात्मा। अच्छा, अगर वो ये मानता है कि कर्म नाम का सिद्धांत कोई कामयाब नहीं होता, तो वो फिर प्रत्यक्षवाद के अनुसार जहां जो लगेगा वो वहां कर देगा। तो ऐसे ही लोगों की फिलॉसफी क्या बनती है? बाय हुक और क्रुक। बोले जी एडमिशन तो होना ही है, तुसी सेवा बताओ। एक दिन मैं देख रहा था, उसने कहा कि नहीं जी एडमिशन हो नहीं सकता, एज पर रूल ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले ये मत बताओ, एडमिशन तो होना ही है, आप सेवा बताओ। मैंने कहा अरे लुक एट दिस फेलो, उसी सेवा बताओ, एडमिशन नहीं होगा ये नहीं, नहीं एडमिशन तो होना ही है।
का यही अच्छा है, घुस गया आदमी ये होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, और कोई फैसला करने वाली शक्ति है उसकी नजर में मैं हूं, उससे मैं कोई चीज छिपा नहीं सकता, ये तो बात है नहीं। जगदाहु अनीश्वरम, तो कोई सास्ता का भय नहीं है। मैंने एक ही दृष्टि बनेगी कि अगर मैं पकड़ा गया तो चोर हूं, नहीं तो स्मार्ट हूं। मैंने देखो आजकल ऐसे बोलते हैं लोग, अगर नहीं पकड़े गए हो तो आप किडनी का व्यापार करो, आजकल कभी कभी ऐसा रेडियो टीवी में आ जाता है, तो यू आर स्मार्ट, चोर नहीं। चोर किस दिन होंगे? जिस दिन दुर्भाग्य से तो मानते ही नहीं भाग गया कि अपनी किसी गलती से जो है पकड़ लिए जाओगे, उसी दिन आप मान लो चोर है तो चोर है, अदरवाइज यू आर वेरी स्मार्ट। तो ये जब कॉन्सेप्ट लेके, ईश्वर तो है नहीं, देख नहीं रहा है, इच्छा तो, ये तो भावना बनती ही नहीं है कि आज नहीं तो कल जब पक जाएगा तो वो प्रसादी जो है झोली में जरूर आ जाएगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सब तो है नहीं। तो भगवान साफ बोल देते हैं, नष्टात्माना इज गॉन। क्यों गॉन? आखिर क्या न किया इसने? बोले किया कुछ नहीं, दृष्टि गलत पकड़ ली। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे बड़ा मेरा उपकारी वो है, देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जो मेरी दृष्टि को शुद्ध करता है। इसलिए संत परम उपकारी जो कहा जाता है वो बिल्कुल परम सत्य है। मैं अपने को सामने रख के बोल सकता हूं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम, येन उन्मीलितम तस्मै श्री गुरवे नमः, येन गुरुणा चक्षु उन्मीलितम। भोजनम दत्तम, वो भी दिया उसने, लेकिन वो तो चलो कोई और भी दे देता है। गुरुदेव भिक्षा लेके पढ़ते थे, काली कमली में जाके भिक्षा लेकर के आते, क्योंकि वहां तो संत लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कहाँ ठहरे हो, तो कहाँ से भोजन किया आपने, तो आज भोजन किया कि नहीं किया। वो तो आप जाओ अपना व्यवस्था करो, वो क्लास लेंगे तो इफ ही अलाउस, है ना, ये तो आप बैठ के कक्षा में पढ़ लो। तो कुंजी महाराज का तो यही था, लेकिन जब दृष्टि निर्माण करती है और दृष्टि की वजह से ही आदमी नष्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा उपकारी वो है जो मेरी दृष्टि को पवित्र करता है। इसलिए पृथ्वी महाराज ने संदेश में बात कही भागवत में कि जो माता पिता बच्चे की दृष्टि संभालते नहीं वो शत्रु हैं, ये कहा महाराज। जो राजा प्रजा को आध्यात्मिक नहीं बनाता, भगवत परायण नहीं बनाता, वो राजा शत्रु है। केवल ट्यूबल लगवाने से कोई राजा सफल राजा नहीं माना जाएगा, ये पृथ्वी महाराज का संदेश पढ़ना आप भागवत में। कोई गुरु अगर उसको भगवत परायण नहीं बनाता तो वो शत्रु। जो भी सुहृत है माने हमारे से बड़े हैं, जिनका एक तरह से दायित्व बनता है कि मेरे को
अनुशासन करें, मुझे रास्ते पर लगावें। वो अपनी ओर से करें, हमें नहीं करना है तो वह फिर हमारा कर्म खराब है। अपनी ओर से तो होना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान में आप समझो इतना 100 साल गड़बड़ सड़बड़ होने पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से जो वैल्यू सिस्टम, जो आस्था का प्रवाह है, तो कहा गया कि कर्म करने के पहले उनको याद करना चाहिए, कहा गया ना। तो हलवाहा भी हल को प्रणाम करके फिर हल उठाता है, आप समझ। तो इससे बड़ा दार्शनिक की सफलता क्या हो सकती है? एक दार्शनिक कितना सफल है? एक ट्रक ड्राइवर भले पियक्कड़ हो, वेश्यागामी भी होगा, लेकिन ये भी एक चीज उसके साथ मिली हुई है, क्या? कि जब वो स्टेयरिंग पे बैठेगा तो अगरबत्ती जलाएगा तो वो थोड़ा चित्र रखे हैं वहां कुछ करेगा, स्टेयरिंग को प्रणाम करेगा, देन ही विल स्टार्ट। माने फिलॉसफी हैज परकुलेटेड टू द बॉटम। ये सफलता है हमारे देश के ऋषि की। वो यूनिवर्सिटी के चहारदीवारी में फिलॉसफी नहीं पढ़ाता, समझते हो ना। उसकी फिलॉसफी की थीसिस लाइब्रेरी में केवल नहीं होती, ये पश्चिमी दर्शन का कमाल है जिसको फॉलो कर लिया आज हमारे यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने। हमारा फिलॉसफर शंकराचार्य, हमारा फिलॉसफर तुलसीदास, हमारा फिलॉसफर समर्थ गुरु रामदास होंगे, जो सीधे जिनका संबंध जनता में जाता है, वही फिलॉसफर है। दृष्टिम, दृष्टि सुधार, मूल में सुधार हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं। मूल में गलती है तो नष्टात्मान कौन है ये लोग? बोले बहुत पढ़े लिखे, ओहो हो, बहुत समझदार, ओहो हो, स्मार्ट। भगवान क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धया, ये है। यार भगवान से भी पूछ लो कि तुम्हारे बारे में उनका क्या ख्याल है। भाष्यकार से किसी ने पूछा कि भगवान अल्प बुद्धि क्यों कहते हैं इनको? ये तो एमए भी है और क्या पीएचडी, डिलीट डिफीट सब है, एमफिल फिल। तो इनको अल्प बुद्धया भगवान क्यों बोलते हैं? भाष्यकार ने कहा क्योंकि ये केवल विषय के बारे में सोचते हैं। देखो क्या बोलते हैं, विषय विषया अल्पा एव बुद्धि। भगवत विषया नहीं है बुद्धि, कभी भगवान को विषय नहीं करती, धर्म को नहीं करती, अदृष्ट की तरफ नहीं सोचती, परलोक की तरफ नहीं सोचती, जीवन के उस पार देखना नहीं चाहती। तो चूंकि ये केवल प्रत्यक्षवादी हैं तो प्रत्यक्ष जन्य प्रमा कितनी होगी? कितनी होगी? अल्प, अल्प ही होगी। क्या बढ़िया टिप्पणी करी, अल्प बुद्धि पर इतना बढ़िया टिप्पणी है, बस दिल खुश हो गया। बोले ये विषय विषया एव अल्पा एव बुद्धि। कौन सी कार आजकल बढ़िया है? दे विल नो एवरीथिंग, कि उसका इंजन कैसा है, उसका सिलेंडर कैसा है, उसमें एसी कैसा लगा है, उसमें माने वहां ही इज वेरी स्मार्ट। लेकिन जीवन आगे पीछे भी कुछ होता है, बोले ये सब फालतू बात मत करो, लो। अरे जोगी तुम कहां से आए? बोले ये सब फालतू नहीं, ये मत बात करो, कहां से आए कहां जाओगे ये सब मत बात करो। अच्छा भैया मत करता हूं, बंद काम है तुको। नष्टात्मान अल्प
बुद्धया। अब ये तो हो गई इनकी दृष्टि, ये हो गया इनका स्वभाव और ये हो गया इनकी बुद्धि। अल्प बुद्धि कहा भगवान ने, काफी नाराज हैं। तो मैंने, आप जानते हो, सुसंस्कृत व्यक्ति अगर गाली भी देगा तो उसकी गाली भी सुसंस्कृत होती है। तो भगवान अल्प बुद्धि कह रहे हैं, आप समझो इससे खराब क्या बोला जाए, किसी को निर्बुद्धि कह दिया जाए। नष्टात्माना, नष्ट स्वभाव, भाष्यकार ने कहा पुरुषार्थ साधना, विभ्रष्ट परलोक साधना, साधना हां बहुवचन, बहुब्रीहि समास है, विभ्रष्ट परलोक साधना हां। ओ, जिसका परलोक का साधन भ्रष्ट हो चुका, छूट गया, परलोक बिगाड़ लिया इन्होंने, साधन रहित हो गए। तो बोले फिर ऐसी दृष्टि लेके जब ये जीवन अपना बनाते हैं, जीवन वस्त्र की बनावट करते हैं, तो क्या करते हैं? बोले पहली बात यह है कि उग्र होते हैं, नारायण, आप समझते हो, देहवादी हैं। देहवादी ही क्रूर होता है स्वभाव से, क्योंकि उसके कंफर्ट में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए, सिंपल बात है। तो भाष्यकार भगवान ने कहा प्रभवन्ति उग्र कर्माणः, उग्र कर्मा बहुवचन है कर्माणः, आसुराह का ही विशेषण है, उग्र उग्रम कर्म यस्य सह उग्र कर्मा, ते उग्र कर्माणः, ऐसे समास बनेगा। कैसे? उग्रम कर्म यस्य सह उग्र कर्मा, ते उग्र कर्माणः। तो ये पैदा ही होते हैं, भगवान बोले पैदा ही होते हैं उग्र कर्म करने के लिए। प्रभवंती के प्रभवंती, उग्र कर्माणः प्रभवंती नारायण। उग्र कर्म माने क्या महाराज, कुछ समझने वाली भाषा में बोलो। बोले हिंसात्मक, बस उग्र कर्म करेंगे तो दूसरे को कोमलता थोड़ो मालूम पड़ेगी, चोट ही लगेगी ना। फिर इसको बोलते हैं धक्केशाही। उग्र कर्माणा का क्या हुआ, मुझे वहां जाना है, धक्का आपको लगे तो लगे। सो बिल्कुल ठेठ भाषा में कहें तो दे आर बिलीवर ऑफ धक्केशाही, धकियाते हुए निकलना। अब सामने वाला गिर गया, कोई बूढ़ा आदमी कुचल गया, कुचल जाने दो, अब हम कैसे उसको बचाएंगे? घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा क्या? इसलिए धकियाऊंगा मैं, तो मुझे तो पहुंचना है। ये है तकिया तो धकिया सीन एंड फॉरवर्ड का अनुवाद किया पंजाब में, वहां पर ये अनुवाद बिल्कुल ऐसे, तकिया तो धकिया, देखा और धक्का दिया आगे तकिया तो धकिया नारायण नारायण नारायण। उग्र कर्माणः, अच्छा प्रभवंती, जन्म लेते हैं, आखिर इनके अवतार का प्रयोजन क्या है प्रभु? ये जो लोग अवतरित हो रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय? बोले नहीं, क्षयाय जगत। देखो आपको याद करा रहे हैं,
भगवान अवतार लेते हैं धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी। ये लोग अवतार ले रहे हैं, प्रयोजन साफ है बिल्कुल, देर इज नो कन्फ्यूजन इन टारगेट। क्या प्रयोजन है? जगत क्षयाय, अरे राम है, नुकसान करने के लिए गैस चेंबर बनवाएंगे ये लोग, राम राम राम, जहां 50 आदमी जिस कमरे में खड़ा हो सकता है मुश्किल से, उसमें 500 आदमी धकेलेंगे। ये किया हिटलर ने महाराज, सोचिए कितनी मानवता का कितना हनन हुआ है, राम राम राम। और चूंकि इनको मरना ही है, इसलिए इनका दांत निकाल लो, केश निकाल लो, हड्डियां निकाल लो। कभी आप पढ़ो महाराज, तो ये जो सो कॉल्ड विश्व विजेता है, इनका ये चरित्र होता है महाराज। जगत अहिता है, जगत दोनों के साथ जाएगा। जगत क्षयाय, जगत अहिता, नाम ही रख दिया भगवान ने, जगत शत्रव भाष्यकाल। इनका जन्म जगत के अहित के लिए ही होता है। इसमें कुछ कुछ जो है वो असुर राज होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जब गर्भ में आए महाराज ये दिति के दोनों, तो भागवत जी में वर्णन पढ़ना, तो घटाटोप हो गया बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया, अंधेरा अंधेरा रहने लगा। देवता लोग दुखी हुई, बोले अरे ये क्या हो रहा है, सृष्टि का अभी तो प्रलय नहीं आने वाला है, अभी अचानक ये क्या हो गया। जगतः अहिता, ये तो आने के पहले के लक्षण है, जब ये ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए कि क्या हो रहा है ये। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो होना बाकी है, अभी तो जय विजय जो हैं वो गर्भस्थ हुए हैं, बस यही समझ लो आप। जब वो बाहर आएंगे तब होना शुरू होगा, और आप लोग गिरी कंदर खोआ, तो ये है हालत। छयाय प्रभवंती जगतो फिता, जीवन कैसा चलता है इनका, एक प्रधान वृत्ति रहती है, उसका नाम है एम्बिशन। ओफो, ये तो बड़ा बढ़िया शब्द है, बोले हम संस्कृत पर अब बोल देते हैं, फिर बढ़िया घटिया आप देखते रहना। कामम दुष्पूरम आश्रित्य, ये दुष्पूरम किसके साथ जाएगा? कामम के साथ। महाशनह पहले बोल चुके हैं, बहुत खाने वाला, पेटी नहीं भरा आज तक इसका है, लोगों ने चाहे जितनी मर्जी खिलाया हो इसको। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति, नारायण बोलते हैं कामम आश्रित्य दुष्पूरम कामम आश्रित्य, ये तो इनका आसरा है, जीवन की आधार वृत्ति है, ठीक है। भरे किससे रहते हैं? अन्विता, अन्विता माने अनवित, जिसका अन्वय इनके व्यक्तित्व में होता है, जैसे घट मिट्टी से अन्वित है वैसे। तो किस चीज से अन्वित है ये? बोले दंभ, देखो ये है मेटीरियल काज।
दंभ मान मद यस दंभ मान मद अनविताहा असुराहा, वो आप चलाते रहना साथ में। ये सब विशेषण असुर के हैं, बहुवचन में है, इसलिए असुराहा मदान्विताहा। तो आधार वृत्ति है दुष्पूरम कामम, और अन्वित रहते हैं दंभ मान मद से, और कुछ इनकी बड़ी गहरी मान्यताएं हैं, आग्रह हैं इनके आग्रह। कैसे हैं वो? असदग्राहान, ये देखो, सदग्राहान नहीं है, क्या है? हाँ, सत्याग्रही नहीं है ये। ये गांधी जी के ठीक उल्टा, असत्याग्रही है ये। असदग्राहान गृहीत्वा, असत आग्रहों को ग्रहण करके, धारण करके चलते हैं। निराग्रह नहीं है, आग्रह बहुत जोरदार है। क्या आग्रह है? मरते समय बेटे को बुलाया, बोले बेटा उसको जिस दिन तुम मार दोगे ना, उसी दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब यह आग्रह है, प्राण निकल रहे हैं लेकिन आग्रह बिल्कुल सुरक्षित। बोले महाराज, ऐसे असत आग्रहों को धारण करने का कारण क्या है? मोहात गृहीत्वा, सी द ब्यूटी। कोई समझदारी से थोड़ो ग्रहण किया है इन्होंने समझदारी से तो सदग्रहान गृहीत्वा होगा ना। तो ये ना समझी से मोहात उल्टी बुद्धि होने के कारण असद ग्राहान गृहीत्वा, झूठे गलत आग्रहों को धारण करके क्या करते हैं? प्रवर्तन्ते। ये देखो, बैठे थोड़ो रहेंगे ये। गुरुदेव ने कहा पैसिव सज्जनता। ये मैं उनके साथ कहीं था, गुरुदक्षिणा के समय बोला उन्होंने कि वी डू नॉट नीड द पैसिव जेंटलमैन, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। आई नीड एक्टिव जेंटलमैन। अब वो शब्द सही नहीं आ रहा है, उसका मतलब हिंदी में हमने उस समय अनुवाद बुद्धि ने हमारी कर ली थी, निष्क्रिय सज्जनता नहीं चाहिए, सक्रिय सज्जनता चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्टता कभी पैसिव नहीं होती, ये गुरुदेव ने कहा। आपको मालूम है दुष्टता कभी चुप नहीं रहती। इस देश में, ये हमारे समाज में ज्यादातर लोग सज्जन हैं, लेकिन कैसे हैं? पैसिव। और इसलिए ये तो हुए निष्क्रिय, और जो दुष्ट हैं वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो क्या हैं? वो सक्रिय हैं। तो हु विल विन? भाई जो सक्रिय है वो विन करेगा। ये तो अपने घर में सज्जन बनना बस पर्याप्त है। गुरुदेव को ये चीज बहुत पसंद नहीं थी। वो कहते थे महाराज, यू हैव टू बी एक्टिव। तो ये तो प्रवर्तन्ते, देख लो साफ लिखा है। न प्रवर्तन्ते ये इति न भवति, यदा असुरा तदा प्रवर्तन्ते। नारायण,
प्रवर्तन्ते। अच्छा, बड़े व्रत लेते हैं ये, सोमवार का, शुक्रवार का है, और फिर एकादशी का, त्रयोदशी का, शिवरात्रि का, बड़े बड़े व्रत लेते हैं। बोले महाराज व्रती हैं? बोले ये अशुचि व्रता। माने कहते हैं व्रत लेता हूं क्या कि इसके घर में कल तो डकैती पड़ी जानी चाहिए। लो गंगा जल हाथ में उठा करके क्या डकैती डालने का व्रत, चोरी करने का व्रत, उसके घर से किसी लड़की लड़के को उठा लेने का व्रत। ये व्रती लोग हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, व्रत पूर्वक काम करते हैं। वाह, लेकिन बस इतनी ही बात है कि ये व्रत कैसा है, अशुचि व्रता। भगवान भी इनका ऐसा वर्णन करते हैं, कामम दुष्पूरम आश्रित्य दंभमानं मदान्विताः असद्ग्राहान मोहात् गृहीत्वा प्रवर्तन्ते। के प्रवर्तन्ते? अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते असुराः। अरे राम, अच्छा भाई चिंता कैसी है इनकी? बोले आप नाप नहीं सकते कितनी चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। यही तो सांपिनी इनके दिल में रहती है, और क्या खुशी रहेगी, निश्चिंतता रहेगी? किसी को गाली दिया है, किसी की चोरी की है, कि किसी को मारा है, किसी का अपमान किया है, किसी का धोखा दिया है, किसी को विश्वासघात किया है, तो क्या उससे निश्चिंतता आती है? चिंता ही आएगी, और क्या आएगी। तो लो जरा परिणाम भी देखो। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, मरते दम तक अपरिमित चिंता करते हैं ये। अनुवाद मात्रम करोगे, जीवन का एक सबसे बड़ा लिंग ये है इनके चित्त में, जो चीज व्याप्त रहती है ओर से लेके छोर तक, उसका नाम है चिंता। और वो मात्रा कितनी है, ये ना फिल्मी गाना का गाना, जैसे आकाश में जितने तारे उतनी हमारे चित्त में चिंता। भगवान कहते हैं तारे वारे कुछ नहीं है, परिमेयम, परिमेय माने मेय माने नापा जा सके, परिमेय माने ठीक से नापा जा सके, अपरिमेयम माने जिसकी थाह नहीं है, इतनी चिंता रहती है इनको। बोले कितने साल, 40-50 साल तक? बोले ना ना, प्रलयांताम मरणांतम, भाष्य का लिखते हैं मरणांताम, जब तक ये सांस न निकल जाए तब तक महाराज बड़ी चिंता है। क्या चिंता, मर रहे हैं, क्या चिंता है, ये तीनों लड़के यही हैं दुकान पर, कौन है? पूछा मरने वाले ने, रमेश हाँ पिताजी यही हूं मैं, आदेश करो। दिनेश बोले हाँ यही हूं, बिल्कुल यही। उमेश हाँ पिताजी। अरे मूर्खो, अभी मैं जिंदा ही हूं, तुम तीनों इधर हो, दुकान पर कौन है? चिंताम अपरिमेयाम ताम प्रलयान ताम उपाश्रिता। भगवत परायण लोग हैं क्या ये, कि धर्म परायण है? बोले नहीं, कामोपभोग परमाहा, ये भी परायण है, कोई ऐसी बात थोड़ो है।
धर्म भगवत नहीं, क्या काम उपभोग परम, ये बहुव्रीही, कामस्य उपभोग एव परम ये शाम ते कामोपभोग परमाह, ये ऐसे बने। बहुत बढ़िया आदमी लोग हैं महाराज, परायणा। कामा कामोपभोग परमाह, खुश रहो। किसी ने पूछा इसके आगे पीछे भी कुछ सोचते हो, बोले आगे पीछे है ही नहीं, एतावत इति, इतना ही जीवन है। तुम काहे को कल्पना करते हो, ये पखंडियों के चक्कर में आ गए तुम, तो आप क्या बोलते हो? मैं बोलता हूं एतावत इति, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दैट्स ऑल। इट इज कॉल्ड कामोपभोग परमाहम एतावत इति। भगवान कहते हैं ये स्थित प्रज्ञ लोग हैं महाराज, निश्चिता आप उसमें इनकी जो बुद्धि है ना कामोपभोग परमा वाली, उसको हिला के देखना वो बिल्कुल नहीं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये बिल्कुल प्रज्ञा इनकी निश्चित रहती है। आप ही को हिलावेंगे, बेचारा हमारा ताजा ताजा ब्रह्मचारी गया हिलाने के लिए, ऐसे किसी कामोपभोग परमा को, ताजा ब्रह्मचारी था, डाल से टूटा हुआ, मैंने कोई स्टोर में पकाया हुआ नहीं, बिल्कुल डाल से फ्रेश कोर्स में से इस बुद्धि को लेके निकला कि दुनिया को बदल डालूंगा, वो पहले ही मिल गया कामों को भोग सामने निश्चिता, वो बिल्कुल निश्चित है। तो कहेगा ब्रह्मचारी जी महाराज आओ मैं आपकी प्रज्ञा ठीक करूं पहले, तो इधर भी निश्चिता है, ऐसी क्या बात है। तो ऐसे है तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।